क्लास थर्ड. टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ योर साइंस कीपिंग सेफ. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम सेफ्टी रूल्स व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस, ऑन रोड और इन अ प्लेग्राउंड, एट होम एंड इन द क्लासरूम. एंड बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. ओके, सो let's start. Accidents may occur anywhere, anytime, without giving any warning. तो accidents कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी time हो सकते हैं. हमें कोई भी intimation दे करके या कोई warning दे करके कोई accident नहीं होता. कभी भी कहीं भी कोई भी accident हो सकता है. So accidents usually occur due to our carelessness. लेकिन एक्सीडेंट होते कैसे हैं, क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली. देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. देखिए फर्स्ट पिक्चर, राजा, लेट अस पेंट टुगेदर. अब यहाँ पर ये फ्रेंड जो है अपने एक फ्रेंड को बोलता है कि राजा चलो कुछ पेंटिंग करते हैं एक साथ मिलकर. एंड व्हाट राजा रिप्लाइड, आई कांट, माय फिंगर गॉट कट विद द ब्लेड व्हेन आई वाज शार्पिंग माय पेंसिल. तो यहाँ पर वो जो राजा है वो बोलता है कि नहीं, मैं पेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिंगर में जो है वो कट लग गया जब मैं पेंसिल जो है अपने ब्लेड से शार्पन कर रहा था, है ना. तो अब देखिए यहाँ पर आप बताइए क्या गलत है. हमें अपनी पेंसिल जो है वो ब्लेड से शार्प करनी चाहिए क्या? नहीं ना. हम क्या यूज़ कर सकते हैं पेंसिल को शार्पन करने के लिए? वी कैन यूज़ शार्पनर, है ना. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, रेनू, लेट अस गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं. ये अपनी फ्रेंड से बोलती है कि रेनू चलो हम लोग खेलने के लिए चलते हैं. एंड व्हाट रेनू इज़ रिप्लाइंग, रानी, I slipped on the toy car. I left it on the floor and hurt myself. तो देखिए रानी जो है वो बताती है कि मैं अपनी टॉय कार पर मैंने पैर रख दिया और मैं स्लिप हो गई, मैं गिर गई, मेरे पैर में जो है क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने अपने आप को क्या लगा ली, चोट लगा ली. अब इन दोनों पिक्चर से आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ये लोग केयरफुल होते, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते, तो शायद इनको चोट नहीं लगती. अगर यहाँ पर राजा जो है पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड यूज़ ना करके एक शार्पनर यूज़ कर लेता तो उसको कट नहीं लगता. यहाँ पर भी देखिए ये जो गर्ल यहाँ पर दी हुई है, अगर ये अपने टॉयज़ को प्रॉपरली बास्केट में खेलने के बाद रख देती तो ये स्लिप नहीं होती, है ना. तो हमें क्या करना चाहिए, सारे टाइम हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट्स को होने से टाइमली रोक सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हमें सारे टाइम कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए अगर हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं. सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. अगर हम बस में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, यस दिस इज़ बस. और ये स्कूल स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ प्रॉपर क्यू, है ना. तो दिस इज़ यहाँ पर राइट. ये देखिए यहाँ पर राइट का टिक लगा हुआ है, यानी कि इस तरीके से ही हमें प्रॉपरली एक क्यू में खड़ा होना चाहिए अगर हम बस में ट्रैवल करने वाले हैं, हमें बस में कहीं भी जाना है. स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस. जब हम बस में चढ़ने वाले हैं, बस को पकड़ने वाले हैं, तो हमें प्रॉपरली एक प्रॉपर क्यू में खड़ा होना चाहिए. डू नॉट लीन आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस से कभी भी अपने हैंड्स को, अपने हेड को बाहर की तरफ नहीं निकालना चाहिए. Do not get in or out of a moving bus. कभी भी चलती हुई बस में ना तो हमें चढ़ना चाहिए, ना ही हमें कभी भी चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करनी चाहिए. Never disturb the bus driver. और कभी भी हमें बस ड्राइवर को
परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए ये ड्राइवर जो है वो कार जो है बस ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ बॉय जो है उसने उसकी आईज को बंद कर दिया है, क्लोज कर लिया है. तो इस तरीके से देखिए डिस्टर्ब करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो हमें इस तरीके से कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. वी शुड कीप क्वाइट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम शैतानी करते हैं तो ड्राइवर का माइंड डाइवर्ट हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर आपने जो पढ़ा सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. यहाँ बस चल रही है और ये इस तरीके से चलती हुई बस से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज रॉन्ग. डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, अगर हमारी बस चल रही है तो हमें इस तरीके से कभी भी अपनी विंडो से बाहर झांकना नहीं चाहिए. और इसके साथ ही ड्राइवर को हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो. ओके चलिए नाउ टर्न टू पेज नंबर 12. ओके अभी हम देखेंगे सेफ्टी ऑन द रोड. अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं. यू मस्ट फॉलो दी सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. जब हम बस पर हों तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यस. तो देखिए अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो हमें हमेशा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज फुटपाथ. हमें रोड पर जाने के लिए, मतलब कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो हमें हमेशा जाने के लिए फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड. कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने घर के बाहर भी जो रोड्स होती हैं उन पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस तरीके से हमें रोड्स के ऊपर बैडमिंटन क्रिकेट कुछ भी इस तरीके से गेम जो है नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग केयरलेस हो जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है. डू नॉट रन अक्रॉस द रोड. कभी भी हमें रोड के ऊपर दौड़ना नहीं चाहिए, रन नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सबवे और फुट ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ ऊपर से जो है ओवर ब्रिज जो है यूज़ कर रहे हैं. हमें हमेशा अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो व्हीकल्स आ रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो रोड क्रॉस करते हैं तो अपनी स्पीड को वहाँ स्लो कर लेते हैं. तो हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, और रोड क्रॉस करने से पहले हमें लेफ्ट राइट अगेन लेफ्ट एक बार देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, उसके बाद ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए नंबर 5. यू शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन. तो देखिए हम लोग केजी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3 जो ट्रैफिक लाइट्स हैं हमने पढ़ी हुई हैं कि 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड ग्रीन एंड येलो. और हमें रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है. जब रेड होती है तो हमें अपने वहाँ पर वेट करना चाहिए, और जब येलो लाइट होती है इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी ही देर में ग्रीन लाइट होने वाली है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है ना. तो हमें ग्रीन लाइट होने पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट एंड देन क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर. लेकिन अगर कई जगह पर ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं और हमें रोड क्रॉस करनी है, फिर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से दोनों साइड में हमें रोड के दोनों तरफ देख लेना चाहिए, पहले लेफ्ट में फिर राइट में फिर लेफ्ट में, अच्छे से हमें देखकर कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हमें जब रोड अच्छे से क्लियर हो जाए तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल. अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड में ही अपनी साइकिल को चलाना चाहिए, राइड करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अगर रॉन्ग डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो कोई भी हम व्हीकल से टकरा सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है. ओके नाउ अब देखिए अगर हम खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में हैं, उस टाइम भी हम कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए,
क्योंकि तब भी हमारे काफ़ी सारी चोट लग सकती है। कैसे? यू मस्ट फॉलो दी सेफ्टी रूल्स इन द प्ले ग्राउंड सो दैट यू एंड योर फ्रेंड्स आर सेफ। हम अगर प्ले ग्राउंड में हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो हमें वहाँ भी कुछ सेफ्टी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए, जिससे हम अपने को और अपने फ्रेंड्स को चोट लगने से बचा सकते हैं। सो क्या करना है? नंबर वन, व्हाइल प्लेइंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड डू नॉट प्ले रफ गेम्स। जब भी हम खेल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, तो हमें जो गेम के रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए और कभी भी गंदे गेम जो है हमें नहीं खेलने चाहिए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शैतानी कर रहा है लड़का, और इसने अपने फ्रेंड को बॉल थ्रो करके मारा, और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे फ्रेंड को चोट भी लग सकती है। तो हमें इस तरीके के रफ गेम जो है वो कभी भी नहीं खेलने चाहिए। व्हाइल प्लेइंग एट द स्विंग्स मैरी गो राउंड और सी सॉ डू नॉट पुश अदर्स। देखिए आप प्लेग्राउंड में गए हैं, बहुत सारे आपने स्विंग्स वहाँ पर देखे हैं, आपने देखा होगा मैरी गो राउंड, एक इस तरीके से सर्कल टाइप का एक स्विंग होता है, झूला होता है, या फिर सी सॉ पर अगर आप कभी झूले होंगे प्लेग्राउंड में गए हैं, जो एक इस तरीके का झूला होता है जिसमें दो पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ बैठते हैं, एक पार्टनर ऊपर जाता है तो फिर एक पार्टनर नीचे आता है इस तरीके से। तो इस टाइप के जो स्विंग्स होते हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए कि सी सॉ पर हम बैठे हुए हैं कि बिना बताए हुए अगर आपका पार्टनर जो है वो आपका सी सॉ जब नीचे की तरफ होता है और वो उससे निकल जाता है तो जो ऊपर की साइड में बैठा हुआ है बच्चा उसको चोट लग सकती है। तो हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ में केयरफुल रहना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, मैम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके साथ आपको ये MCQs जो यहाँ पर दिए हुए हैं, क्विक रिवीजन आपको इनका करना है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। अभी देखिए, अब हम सेफ्टी एट होम, अगर हम घर पर हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। Never play with sharp things like blades, knives and scissors. जो sharp चीज़ें होती हैं, पैनी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। They can cut our skin. ये हमारी skin को cut कर सकती हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चाकू लेकर के और कुछ कट करना स्टार्ट कर देते हैं, या scissors से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनसे हमारे को चोट लग सकती है। And use them only in the presence of an adult. अगर हमें बाई चांस यूज़ भी करना है इनका, जैसे हमें कुछ पेपर कट करना है, क्राफ्ट का हम काम कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मम्मा की कुछ हेल्प करने के लिए सैलड काट रहे हैं, नाइफ का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ों के प्रेजेंस में यानी कि उनकी मौजूदगी में ही हमें काम करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, सॉकेट्स, हॉट आयरन्स और हीटर्स। देखिए जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट होता है जिससे कि हमें करंट लग सकता है। तो इनसे हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा इनको दूर रहना चाहिए, कभी भी टच नहीं करना चाहिए। एंड दे कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम इनको टच करने की कोशिश करते हैं तो इनसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। कभी भी हमें मैचस्टिक्स के जो है, माचिस जो होती है उसके साथ जो है खेलना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उससे कई बार खेलना स्टार्ट कर देते हैं, यूजलेस उसको जलाना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारे हम जल भी सकते हैं। एंड दे कैन बर्न योर स्किन्स, और ये आपकी स्किन को जला भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा उसको यहाँ पिक्चर्स में आप ईजिली समझ सकते हैं। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, देखिए इस तरीके के सॉकेट्स आपके घर में होते हैं ना, तो इनको हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, इसमें फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आयरन रखा हुआ है, डू नॉट टच हॉट आयरन, तो आप जब प्लग उसके अंदर लगा हुआ है सॉकेट के अंदर तो वो गर्म होगी, तो हमें उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, देखिए यहाँ पर ये बॉय जो है ये कैंडल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हम जल सकते हैं, तो इस तरीके के गेम्स जो हैं रफ गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4, नेवर टच द गैस स्टोव एंड हॉट प्लेट्स
और पीप इन टू द यूटेंसिल्स ऑन स्टोव्स इन द किचन। हमें कभी भी गैस स्टोव को जो है वो टच नहीं करना चाहिए। गरम गरम प्लेट होती हैं उसको भी हमें टच नहीं करने चाहिए। गरम बर्तन है उसके अंदर हमें नहीं झांकना चाहिए, तो उससे हम क्या होगा, हम लोग जल सकते हैं। जो स्टोव होता है वो भी कई बार गर्म होता है, हम उसे टच कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेवर क्लाइम ऑन द विंडोज़ एंड शेल्फ्स। घर के अंदर जो विंडोज़ होती हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, उनके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यूजलेस कई बार शेल्फ्स, यहाँ पर देखिए ये स्टूल रख करके ये बच्चा जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हमें डो नॉट क्लाइम ऑन द शेल्फ्स, हमें इस तरीके से शेल्फ्स के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, और यहाँ पर भी हमें चोट लग सकती है ना। तो इस तरीके से हमें खुद जो है चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, आप गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। डू नॉट रन डाउन द स्टेप्स, आप स्टेयर से नीचे आ रहे हो, कभी भी दौड़ते हुए आपको स्टेयर से नीचे नहीं आना चाहिए। चाहे आप घर पर हों, चाहे आप स्कूल में हों, आपको स्लोली स्टेयर से नीचे आना चाहिए। अदरवाइज यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, अगर आप ऐसा करते हो, तेज़ी से दौड़ने की कोशिश करते हो, तो आप वहाँ से गिर सकते हो, आप अपने आप को चोट भी लगा सकते हो। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर दैम एंड फॉल डाउन। तो आपको अपने जब भी टॉयज से खेलते हो, आप घर पर कई बार अपने टॉयज लेकर के खेलते हो ना, तो आपको क्या है कि वो टॉयज़ जो हैं उनको कभी भी फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा, तो किस तरीके से उस जो बच्चा है उसके पैर में चोट लगती है, तो हमें कभी भी अपने टॉयज़ जो हैं वो फ्लोर के ऊपर पड़े हुए नहीं छोड़ने चाहिए। हमें उसके प्रॉपर प्लेस पर उसको वापस रखना चाहिए। हमारे पास टॉय की जो बास्केट हो उसके अंदर रखना चाहिए, या फिर हमारे पास कोई अलमीरा जो मम्मा ने हमें दी हुई है कि अपने टॉयज़ यहाँ रखिए, हमें उनको वापस खेलने के बाद वहीं पर रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी इन द क्लासरूम। यू मस्ट फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन क्लासरूम्स। अगर हम क्लासरूम्स में होते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। डो नॉट पुश एनीबडी और थ्रो थिंग्स एट एनीवन इवन इन फन। हमें किसी के ऊपर किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए, या किसी के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो फेंकनी नहीं चाहिए। चाहे हम मजाक में भी कोई चीज़ उठाकर किसी के ऊपर क्यों ना फेंक रहे हों, क्योंकि हम मजाक में भी कई बार कोई चीज़ फेंकते हैं। खेलते हुए हम कई बार कोई चीज़ किसी बच्चे के ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो उससे भी उसको चोट लग सकती है ना। तो हमें कोई भी चीज़ किसी के ऊपर यूजलेस इस तरीके से नहीं फेंकनी चाहिए। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 14। डू नॉट जम्प ऑन डेस्क और रन इन द क्लास। कभी भी कई बार बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, टीचर क्लास में नहीं आती हैं तब तक वो लोग शैतानी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक बेंच से दूसरी बेंच के ऊपर वो जो जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, आप गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है, ये आपको पता होता है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, शैतानी करते हो ना। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल विद अ शार्पनर, हमेशा अगर आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर यूज़ करना चाहिए। नेवर यूज ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल, कभी भी अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हमने स्टार्टिंग में देखा चैप्टर के, कि उससे आपकी फिंगर में कट लग सकता है। नेवर रन ऑन द स्टेयर्स, जब कभी भी हम स्टेयर से आ रहे हों, स्कूल में कई सारे स्टेयर्स होते हैं, और हम स्टेयर से नीचे आ रहे हों या ऊपर जा रहे हों, तो हमें कभी भी दौड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज फॉर्म अ क्यू वाइल वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स, जब भी हम स्टेयर से पूरी क्लास जैसे कई बार आती है ना, एक साथ आ रहे होते हैं, तो हमें एक प्रॉपर क्यू में ही स्टेयर से जाना चाहिए, या नीचे आ रहे हों तो हमें डाउन स्टेयर जब हम आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर क्यू में ही आना चाहिए। डो नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडोज़, तो हमें कभी भी विंडोज़ के ऊपर ना लटकना नहीं चाहिए और स्विंग नहीं करना चाहिए।
इफ द ग्लास ब्रेक्स इट मे हर्ट यू, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए अगर इस तरीके से लटकने की कोशिश करते हैं तो ये जो ग्लास है जो विंडो के ऊपर लगा हुआ है वो टूट सकता है और इससे भी आपको चोट लग सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे जो आपके सेफ्टी रूल्स हैं वो पिक्चर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको शो किए हुए हैं। डो नॉट पुश एनीबडी इवन इन फन, किसी भी बच्चे को आपको मजाक में भी इस तरीके से पुश नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमें बेंचेस के ऊपर, डो नॉट जंप ऑन द डेस्क, इस तरीके से हमें डेस्क और बेंचेस के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। और शार्पन योर पेंसिल विद शार्पनर, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये पेंसिल को अपने शार्पनर से शार्प कर रही है बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी पेंसिल को शार्पन करने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए। और डो नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडोज़, हमें इस तरीके से विंडोज़ के ऊपर लटकना नहीं चाहिए और वहाँ पर इस तरीके से जो इसका ग्लास है वो टूट सकता है और हमें चोट लग सकती है। तो देखिए ये तो हो गई चीज़ें कि हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं जब हम अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन इतने के बाद भी अगर बाय चांस हमें चोट लग जाती है तो हम घर पर रहते हुए यानी कि डॉक्टर के पास तो फिर हमें फाइनली जाना ही है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम फर्स्ट स्टेप अपने घर पर अपना जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। तो हम क्या क्या फर्स्ट एड जो है यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। तो जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो एक फर्स्ट हेल्प जो दी जाती है इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लगी हुई होती है उस पर्सन को जो हम एक फर्स्ट हेल्प जो घर पर देते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। एंड व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट इमीडिएटली टेल एन एडल्ट, अगर हमें मान लीजिए कि घर पर या स्कूल में कहीं भी चोट लग जाती है तो हमें हमसे जो बड़े हैं एल्डर जो हैं जो भी घर में हैं उनको हमें फटाफट से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए। अ टीचर इन स्कूल और पेरेंट्स एट द होम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। तो देखिए हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, घर पर हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें हमारे चोट अगर हमें लग जाती है तो तुरंत हमें हेल्प कर सकते हैं। एंड दे गिव अस फर्स्ट एड, और वो हमें फर्स्ट एड दे सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए, द फर्स्ट एड बॉक्स एट अ होम और स्कूल शुड हैव बैंडेज, क्रैप बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम दैट किल्स जर्म्स, लोशन भी हो सकता है, बैंडेड कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड पेन रिलीविंग स्प्रे। तो देखिए अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है तो आपको पता होगा कि क्या क्या आइटम्स उसके अंदर होते हैं, और अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स घर पर नहीं है तो आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है और देखिए क्या क्या आइटम उसके अंदर होने चाहिए। उसके अंदर हम एक बैंडेज रखेंगे, एक क्रैप बैंडेज आता है, अगर हमें बाई चांस कहीं मोच आ जाती है तो ये क्रैप बैंडेज लगाया जाता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक लोशन होता है, अगर हमें कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाती है, जल जाते हैं उसके लिए। उसके अलावा बैंडेड होती है, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, छोटा कट लग जाता है उसके लिए। कॉटन हमारे जो चोट लगी है उसको साफ करने के लिए। एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, हम उस चोट पर लगा सकते हैं। और सीजर्स हमारे बैंडेज को कट करने के लिए। इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं पेन होता है तो हम अपने उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में पेन रिलीविंग स्प्रे भी रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में है तो आप उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि उसमें सारी मेडिसिंस जो हैं वो टाइम के साथ हैं या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। और अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आपको आज ही ये फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स, अगर मान लीजिए कि हमें छोटी मोटी चोट लगी है तो हम क्या फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं। इफ़ द वुंड और कट इज स्मॉल, अगर हमारी चोट जो है वो छोटी है, छोटा सा कट है, वी शुड फर्स्ट वॉश इट विद वाटर, सबसे पहले हमें अपनी चोट को क्या करना चाहिए, वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। देन क्लीन द एरिया विद अ कॉटन हैविंग एंटीसेप्टिक लोशन, और हमें उसके जो एरिया है जहाँ पर चोट लगी हुई है उसको कॉटन से एंटीसेप्टिक लोशन लगा करके साफ कर लेना चाहिए।
देन टाई अ बैंडेज और क्लीन क्लोथ ओवर द वाउंड. तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उस चोट के ऊपर जहाँ पर हमारे कट लगा हुआ है उस पर हम एक साफ़ सुथरा बैंडेज लगा सकते हैं. अगर हमारे पास बैंडेज नहीं है तो हम एक साफ़ सुथरा उस पर क्लोथ भी लगा सकते हैं. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर हम जल जाते हैं, हमारे स्किन जो है बर्न हो जाती है, तो हम क्या फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी गेट अ बर्न वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस. अगर हम हमारा जो कोई स्किन का पार्ट है वो जल गया है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, उस जले हुए एरिया को ठंडे कोल्ड वाटर के नीचे लगा देना चाहिए, रख देना चाहिए. और या फिर अगर हमारे पास घर में फ्रिज है, आइस हैं, तो हम आइस क्यूब को भी उस जले हुए एरिया पर रब कर सकते हैं, लगा सकते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा बर्न है वो बहुत ज़्यादा हमें उससे दिक्कत नहीं होगी, जलन नहीं होगी. ओके, तो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है प्रॉपरली, इसके साथ वीडियो के साथ इस चैप्टर को रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है. देन आफ्टर आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ आ गया है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.